हेलो हेलो एंड वेलकम टू दिबीना डी बोल्स। आज मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी। एक क्वेश्चन जो बारी 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 मेरे पास आता रहता है, आई हैव सीवियर एक्ने प्रॉब्लम्स, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव सीवियर ओपन पोर्स, प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड बट आई हैव अ लॉट ऑफ मार्क्स ऑन माई स्किन, प्लीज हेल्प मी। सो आज का ये ब्लॉग विल बी टारगेटेड टू open pores and acne marks. Let's first find out what is pores, what is open pores, what is big pores, enlarged pores. ये है क्या? जो हमारे स्किन में बाल है वो जहाँ से निकलता है वो pores है। स्किन में छोटे 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 गड्ढे होते हैं जहाँ से स्किन सांस लेता है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते, जब उस गड्ढों में, उस छोटे उस पोर्स में ऑयल जमा होता है, डर्ट जमा होता है, तब वो क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। आई विल एक्सप्लेन इट इन अनदर वे। जैसे कि आपने बलून में हवा भरा, बलून बड़ा हो गया, उस हवा को निकाल दिया, बलून वापस छोटा सा उतना सा ही हो गया। लेकिन अगर आप ज्यादा दिनों तक बलून में हवा भर के रखेंगे और फिर उस हवा को निकालेंगे, हवा निकलने के बाद भी वो बलून इतना सब बड़ा होके ही रह जाएगा, मतलब इतना छोटा जो पहले उसका साइज था वो नहीं होगा। इसी से समझ में आता है, जब पोर्स के अंदर ज्यादा दिन तक ऑयल, डर्ट, ग्राइम, पस, ये सब कुछ रह जाता है, वो आप बाद में अगर क्लीन भी कर दिया, क्या बहुत लोग तो क्लीन करते ही नहीं है, तो वो क्या होता है, वो पोर्स बड़ा हो जाता है। क्लीन होने के बाद भी वो जो पोर्स होता है वो उसका साइज बड़ा रह जाता है। सो दैट एक्चुअली कॉजेस ओपन पोर्स एंड दोज बिग 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 गड्ढा जो हमारे फेस में दिखता है। इसका सोल्यूशन क्या है वो ये मैं बता देती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज, दिमाग में याद रखिए कि कीप द पोर्स क्लीन। How to keep the pores clean and how to shrink the pores? क्योंकि बहुत आपने आज क्लीन कर दिया, कल क्लीन कर दिया, पोर्स का तो साइज बड़ा हो गया क्योंकि आपने अब तक क्लीन नहीं किया था, तो उस पोर्स का साइज भी श्रिंक करने के लिए क्या हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी हाउ टू क्लीन द पोर्स। उसके लिए मैं बताऊंगी द AHA BHA जेल फ्रॉम डर्मा। क्लीन द फेस, टेक लिटिल बिट, अप्लाई इट ऑन द चीक्स जहाँ पे पोर्स है या जहाँ पे पिंपल्स आ गया है या जहाँ पे पिंपल्स आने वाले हैं या जहाँ पे ओपन पोर्स आपको दिख रहा है वहाँ पे ये लगा लीजिए। जहाँ पे स्किन में पिंपल्स चला गया है लेकिन या एक्ने चला गया है लेकिन उसका मार्क्स रह गया है, उन सब जगहों पे आप अच्छे से लगा लीजिए। What the AHA BHA gel will do? AHA, again मैं बता दूँ, AHA is alpha hydroxy acid. These are fruit derived acids which actually superficial layer को exfoliate कर देता है। इसके very mild exfoliators. बारी बारी use करते 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 ऊपर के जो marks है वो निकल जाए, ऊपर का layer निकल जाएगा, तो अंदर का brighter, non-blemished baby skin बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर जो BHA है, which means beta hydroxy acid, that is salicylic acid, it actually penetrates inside the pores. Pores जो है, बोला मैंने, ऊपर का layer निकल गया, तो pores खुला हो गया, अभी उसके अंदर घुस के BHA will enter the pore and clean the pore from inside. I just told you the answer of how to actually clean the pores. So this is it guys, this is it. Pores clean होगा तो ही आप pores को छोटा होने का सपना देख सकते हैं। गाल में जो गड्ढा 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 हो जाता है उसको clean या even tone करने का सपना देख सकते हैं। अभी हो गया आपका pores clean, अभी उस pores को करना है छोटा। उसके लिए है डर्माको का ही नायासाइनामाइड सीरम। इसके बारे में भी मैंने पहले बताया है, तो मैं बता दूं, पोर्स को आपने क्लीन कर दिया लेकिन पोर्स का मुंह अभी भी बड़ा है, उसको श्रिंक कराना है, तो वो काम करेगा नायासाइनामाइड। नायासाइनामाइड जो डर्माको का है, इट हैज विटामिन B3 एंड जिंक, तो जो पोर्स बड़ा है उसको श्रिंक करने का काम ये B3 करता है
एंड अनदर रीजन व्हाई आई लव डर्माको इज बिकॉज इट इज डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आर एब्सोल्युटली सेफ टू यूज. तो ऐसा कुछ मैं मेरे ऑडियंस को बोलूंगी नहीं जो कि हार्श केमिकल्स यूज करते जो कि थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मैं भी डरती हूँ आप लोग यूज कर लेंगे फिर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो. सो दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई आई गॉट दीज टू प्रोडक्ट्स फॉर यू टुडे. नाउ आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू टेक केयर ऑफ स्किन वेरी वेल. अपने फेस पे जो पोर्स वोर्स है उसका इस तरीके से अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. इस तरीके से यू कैन टेल योर पोर्स स्टॉप इट, आई डोंट वांट यू टू कम टू मी, बट आई वांट यू गाइस टू कम टू मी ऑलवेज विद ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड आई विल डेफिनेटली try and solve all of them. If you like this video, you please like, share and subscribe to Divina Decodes, and I love you guys. See you with my next video very very soon. And yes, all the products jo bhi maine bola hai wo niche description box mein aapko mil jayega. Bye.